हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रैवल फ्रीक वीडियोस। एक बार फिर से हम लोग निकल पड़े हैं एक नए जगह देखने और आपके साथ ऑफ कोर्स शेयर करने हमारे ब्लॉग में। तो ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज आए हुए हैं बॉस्टन में क्विंसी मार्केट और फैनुएल हॉल। ये दो जो जगह है ये बिल्कुल आसपास है और दोनों बहुत ही फेमस जगह है। तो फैनुएल हॉल जो है ये एक हिस्टोरिकल मीटिंग प्लेस है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन जब 18 सेंचुरी में हुआ था तो उस टाइम फैनुएल हॉल एक मीटिंग प्लेस था फॉर दी रिवॉल्यूशनरी पीपल जिन्होंने अमेरिकन रिवॉल्यूशन में फाइट किया था या किसी भी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्ट लिया था, तो उनके लिए एक मीटिंग प्लेस था। बाद में उसको आज भी यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिटिकल कैंपेन्स। जैसे US प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जब होता है तो उसके लिए यहाँ पर कैंपेन स्पीच ऑर्गेनाइज किया जाता है। बराक ओबामा का फर्स्ट फेमस स्पीच जो था विच काइंड ऑफ मेड हिम फेमस इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो वो यहीं से उन्होंने दिया था फैनुएल हॉल में। ये उनके ऑटोबायोग्राफी में भी है। आज भी यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होता रहता है। क्विंसी मार्केट पहले एक नॉर्मल मार्केट था जिसमें ब्रेड और सब्ज़ी इन सब चीज़ें मिलता था। बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया गया एक मल्टी क्विजिन मल्टी कल्चरल ईटिंग हब कह सकते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं वर्ल्ड के, टूरिस्ट लोगों के लिए ज़्यादा फेमस है ये। मोस्टली टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। एवरी कंट्री का यहाँ पर आपको खाना मिल जाएगा। इंडियन रेस्टोरेंट भी है और भी बहुत सारे क्विजिन है। तो क्विंसी मार्केट मोस्टली अभी ऐसे फूड के लिए फेमस है। और जो है बाकी आपका मार्केट है वहाँ पर बहुत सारे गारमेंट्स वगैरह सब कुछ मिलता है। और हम लोग आज जाएंगे वहाँ पर, तो पहला हम लोगों का टारगेट है वहाँ पर लंच करना और उसके बाद घूम के देखना। ऑफकोर्स आपके साथ भी शेयर करेंगे। मेरे जस्ट पीछे आपको फैनुएल हॉल दिख रहा है और फैनुएल हॉल में देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आसपास कुछ एक्टिविटी भी चल रहा है, जैसे आवाज़ भी बहुत आ रहा है। तो ये काफ़ी हैपनिंग प्लेस है और बॉस्टन का आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शन है। सो अभी विदाउट एनी डिले हम लोग चलते हैं क्विंसी मार्केट और फैनुएल हॉल में और सामने से आपको दिखाते हैं वहाँ का कैसा माहौल है, कैसा एक्टिविटी चल रहा है। और हमारे साथ बने रहिए वीडियो में एंड तक।
अब हम लोग आ गए हैं क्विंसी मार्केट के अंदर। क्विंसी मार्केट फैनुअल हॉल के ठीक पीछे ही है और फैनुअल हॉल एक टाइम पे एक मार्केट था जहाँ पर अलग अलग वेंडर डिफरेंट डिफरेंट ग्रोसरीज आइटम्स और एग्स मीट ये सब सेल करते थे। जब फैनुअल हॉल का कैपेसिटी छोटा पड़ गया क्योंकि बॉस्टन ग्रो कर रहा था एज अ सिटी, तब क्विंसी मार्केट को बनाया गया। क्विंसी मार्केट का मैं अभी फर्स्ट फ्लोर नीचे दिख रहा है, मैं सेकंड फ्लोर में खड़ा हूँ। सो क्विंसी मार्केट एक टू स्टोरीड बिल्डिंग है जिसके नीचे सारे रेस्टोरेंट्स हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग टाइप का क्विजीन मिलता है और ऊपर है बैठने की जगह और बीच में एक सेंट्रल प्लेस है जो ऊपर से भी दिखता है, ये जो सेंट्रल एक आपको दिख रहा है। सो ये सेकंड फ्लोर है जहाँ पर हम लोग बैठ के थोड़ी देर में ही लंच करेंगे। और ये जो वॉल में बोर्ड्स दिख रहा है ये इनिशियल डेज में जो वेंडर्स यहाँ पर अपना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सेल करते थे, जैसे हो गया एग्स या मीट, जैसे पोल्ट्री और भी जो अलग अलग चीज़ें वो सेल करते थे, ब्रेड्स बेकरी ये सब आइटम, उनका बोर्ड अभी भी रख दिया गया है जस्ट फॉर हिस्टोरिकल रीज़न कि ये एक ओल्ड इनिशियल लुक लोगों को पता चले कि उस टाइम दिखने में कैसा था। और टाइम के साथ साथ ये एक रेस्टोरेंट हब में चेंज हो गया है। अब हम लोग आ गए हैं जहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पर। सो ये जैसे आप देख रहे हैं एक सेंटर स्ट्रीट है बीच में और इसके दोनों तरफ अलग अलग टाइप का रेस्टोरेंट है और ये सारे टेक अवे है। आप यहाँ पर ऑर्डर दीजिए, यहाँ से अपना फूड ले लीजिए और कहीं जाके आप मोस्टली सेकेंड फ्लोर में या फिर फर्स्ट फ्लोर में भी कुछ बैठने की जगह है वहाँ बैठ के आप खा सकते हैं। सो ये अरेंजमेंट है, ये सेंट्रल हॉलवे है और अलग अलग टाइप का जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको जापनीज चाइनीज यहाँ का जो बॉस्टन का सी फूड है उसका भी मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर डेजर्ट्स भी, आइसक्रीम का डेडिकेटेड आउटलेट है, बेकरी है, ऐसे ऑलमोस्ट मैं कहूँगा बहुत अच्छा वैरायटी है यहाँ पर। और यहाँ से हमको अभी लंच लेना है। सो हम लोग आज सोच रहे हैं कि एक फिश एंड चिप्स लेंगे और उसके साथ कुछ चाइनीज़ ट्राई करेंगे। सो चाइनीज़ का यहाँ पर दो तीन रेस्टोरेंट्स है, वो हम लोग देखेंगे उनमें से चूज़ करके किसी से ले लेंगे। और फिश एंड चिप्स के लिए मैंने एक देख के रखा है प्लेस, वहाँ से हम लोग लेंगे फिश एंड चिप्स और उसको लेके हम लोग सेकेंड फ्लोर में एक जगह बैठ के हम अपना लंच पूरा करेंगे। सो जैसे आज हमारा फर्स्ट आइटम हमने ले लिया है वो है फिश एंड चिप्स। सो फिश एंड चिप्स में जैसे आप देख सकते हैं कि उन्होंने चार पीस उन्होंने फिश का दिया है, फिश के साथ चिप्स भी दिया हुआ है। और ये हमने लिया है चाइनीज़ कॉम्बो। सो ये है थ्री आइटम कॉम्बो, इसमें चाउमीन के साथ साथ तीन टाइप का चिकन है और उसमें से मुझे जो पसंद आया एक हनी चिकन था वो खास करके मुझे पसंद आया था और भी अलग अलग टाइप का चिकन हमने दे रखा था। ये है हम लोगों का फिश फ्राई जिसको कह सकते हैं। और इसका अंदर का मैं दिखाता हूँ कि अंदर जो है बहुत अच्छा फिश का फीलिंग है और तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और प्रॉपर वे में इसको बनाया गया है, सो काफ़ी सॉफ्ट भी है। इसके साथ जो चिप्स दिया हुआ है यानी कि पोटैटो चिप्स है वो भी यूजुअल नॉर्मल, उसका टेस्ट भी ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट आइटम और हमारा नेक्स्ट आइटम ऑफ कोर्स चाइनीज़ कॉम्बो है। तो चाइनीज़ कॉम्बो में जैसे चाउमीन और उसके साथ अलग अलग टाइप का चिकन उन्होंने मिक्स करके, ये हमने एक चाइनीज़ नूडल्स करके एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था वहाँ से लिया है। सो नूडल्स जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा जो नूडल है वो अलग टाइप का है, थोड़ा मोटा है नूडल लेकिन टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है। और चिकन इसके साथ जो दिया है वो काफ़ी अच्छा है, अलग अलग टेस्ट का चिकन है सो मिक्स कर दिया है। और मुझे जो सबसे पसंद आया
इनमें से वो है जो हनी चिकन है, ये हनी डिप्ड है, तो इसमें थोड़ा स्वीट है, स्वीट टेस्ट है, लेकिन ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा। फैनुअल हॉल के अंदर आ चुके हैं हम लोग, और फैनुअल हॉल में चार डिफरेंट फ्लोर्स हैं, उसमें से ये फ्लोर जो है विजिटर सेंटर है, और यहाँ पर शॉप्स है कई सारे, और यहाँ पर मेनली जो टूरिस्ट्स के लिए जो आइटम्स है, जैसे मेमेंटो हो गया, कोई बॉस्टन में आके लेते हैं लोग कि बॉस्टन लिखा हुआ, डिफरेंट डिफरेंट की चेन या उस टाइप के जो चीज़ें हैं, और उसके साथ यहाँ पर गारमेंट्स भी मिलता है, जैसे टी शर्ट्स वगैरह हो गया। और ये नेशनल पार्क्स ऑफ बॉस्टन एक गवर्नमेंट बॉडी है जो फैनुअल हॉल को मेंटेन करते हैं, तो उनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उनका यहाँ पर कुछ कुछ बॉस्टन का उन्होंने गाइड मैप वगैरह दे रखा है। और बॉस्टन ये फैनुअल हॉल में जो मेन हॉल है जिसको ग्रेट हॉल भी कहते हैं, वो सेकेंड फ्लोर में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी बंद था फॉर सम रीज़न, सो हम लोग उस पर जा नहीं पाए, जहाँ पर मेनली लेक्चर वगैरह या डिबेट ये सब ऑर्गेनाइज पहले होता था, अभी भी होता है, बट हो सकता है कि फॉर कोविड उन्होंने अभी बंद करके रखा है। सो फैनुअल हॉल जैसे एक मीटिंग प्लेस और डिबेट प्लेस रहा है अमेरिकन रिवॉल्यूशन के पहले से ही, सो बिफोर रिवॉल्यूशन इट वॉज सोनली अ प्लेस फॉर मीटिंग एंड डिबेट एंड थिंग्स लाइक दैट, लेक्चर। उसके बाद अभी तो मिक्स्ड यूज़ है इसका, जैसे विजिटर सेंटर है इस फ्लोर में, यहाँ पर रिटेल आउटलेट्स हैं, हॉल इसके ऊपर है। सो हम लोग आज हॉल नहीं दिखा सके आपको, हम लोग ट्राई करेंगे फाइंड आउट करने का कि हॉल कब खुला रहता है और उस टाइम आने का। सो हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम लोग जल्दी मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नए जगह में। तब तक के लिए गुड बाय।